स्वागत है आपका आकाशजी 2M चैनल पे। आज को हम बात करेंगे गूगल फॉर्म के बेस पर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, फाइनल कट ऑफ कितना बच्चों का जाएगा और मेंस के मार्क्स कितने आ रहे हैं एवरेज स्टूडेंट के, उस सब की चर्चा में इस वीडियो में आपको करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि भाई पोस्ट वाइज CRPF हो गया, CISF हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, भाई इनकी कट ऑफ कितनी जाएगी फाइनल में, गूगल फॉर्म बेस्ड क्या रेस्पॉन्स आया है, पोल वाइज रेस्पॉन्स क्या है। तो वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर देखते हैं। दिल्ली पुलिस में जहाँ वैकेंसी देख 228 वैकेंसीज मेल के लिए, फीमेल के लिए 112 वैकेंसीज है। तो दिल्ली पुलिस में फीमेल के लिए अच्छा मौका है, चांस है कि कट ऑफ उनकी थोड़ी कम जाती है दिल्ली पुलिस में फीमेल के लिए, लेकिन CRPF में मेल के लिए अच्छा मौका है, यहाँ पे अच्छी पोस्ट है, 3 या 6 वैकेंसीज है। तो अधिकतर बच्चों ने क्या किया, जिन्होंने Tier 1 को ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उन्होंने लगा कि आप मुझे मार्क्स चाहिए, तो उन बच्चों ने Tier 2 जो मेंस था उसमें अच्छी तैयारी की, उन बच्चों के 150 160 मार्क्स आंसर के बाद देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें गूगल फॉर्म रेस्पॉन्स की बात करें, जो हमने दिया था आपको 2 दिन पहले दिया गया था, SSC CPO 2023, आप देख सकते हो 1200 व्यू रेस्पॉन्स यहाँ पे है। फॉर्म स्टेटस अब मैंने एक्टिव उसको बंद कर दिया है और यहाँ पे व्यू रेस्पॉन्स 1200 रेस्पॉन्स हमें गूगल फॉर्म के नजरे हमें देखने को मिला है, जिसमें एवरेज बच्चों के कितने मार्क्स हैं, फाइनल कट ऑफ कितना है, कितने मार्क्स उनके आ रहे हैं, तो सारी चीजें हम बता रखा है। ठीक है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे मैं देख रहे हैं Tier 1 का जो कट ऑफ 115 का कट ऑफ गया था यार, देख लो। ठीक है, अब जिस बच्चों के मार्क्स अगर मान चलो 120 मार्क्स है, उस बच्चे को तो तैयारी करनी ही थी Tier 2 में अच्छे नंबर लाने के, तब जाके उसको कोई ना कोई पोस्ट मिल सके। तो उस बच्चे ने तैयारी की, जिस बच्चे के पहले ही मार्क्स अच्छे खासे हैं, 150 160 नंबर आए होंगे उस टाइम, तो उस बच्चे के 120 130 नंबर भी आ जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन चलो उसका देख लेते हैं भाई, गूगल फॉर्म बेस्ड है, मेंस मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो फर्स्ट पोजिशन पे देख सकते हो, फर्स्ट पोजिशन पे मैंने रखा है यहाँ पे 150 से 160 मार्क्स के बीच मोर स्टूडेंट्स, मतलब 1200 रेस्पॉन्स में से अधिक बंदे जो है 150 से 160 के बीच क्रॉस कर रहे हैं आफ्टर आंसर की। और उनके अगर आप मैं बात करूं फाइनल स्कोर की, अगर बात करूं तो आप चौंक जाओगे, उनके फाइनल स्कोर है 288, 290, 310, इस प्रकार के उनके मार्क्स आ रहे हैं फाइनल। ठीक है, तो आप समझ, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, जिन बच्चों ने Tier 1 में मेहनत नहीं की थी, जो Tier 2 में देखे भाई पोस्ट चाहिए हमें, जो Tier 2 में अच्छा मेहनत करके 150-160 के बीच मार्क्स लाए हैं। और सेकंड नंबर बात करूं 130 से 142 मार्क्स के बीच, यहाँ पे इससे थोड़े कम स्टूडेंट है लेकिन इसकी संख्या भी ज्यादा है, 130 से लेकर 142 मार्क्स के बीच। इनके अगर मैं फाइनल स्कोर की अगर बात करूं तो उनके फाइनल स्कोर आ रहे हैं 270, 285, इस प्रकार से उनके फाइनल स्कोर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनके Tier 1 में मार्क्स अच्छे खासे हैं। अब जो ये तीसरा जो है ना 128 से 125 के बीच, वो कास्ट कैटेगरीज वाइज है। कास्ट कैटेगरी वाइज का मतलब होता है जो SC ST जो आपके OBC कैंडर के अंदर आते हैं वो कास्ट कैटेगरी के हैं। 150 160 के बीच कुछ स्टूडेंट जो UR के भी हैं, कुछ स्टूडेंट EWS के भी हैं, OBC के स्टूडेंट बहुत कम देखने को मिले लेकिन OBC के स्टूडेंट भी है। 130 से 142 के बीच EWS, OBC और SC के बंदे भी शामिल है, लेकिन SC ST OBC के अंदर 128-125 के अंदर भी बच्चे शामिल है गूगल फॉर्म बेस के अनुसार। ठीक है, अगर हम पोल वाइज जरा देख लेते, जो हमने एक दिन पहले पोल करवाया था, SCPO मेंस में आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, जनरली 3.7 के वोट यहाँ पे आ चुके, मेंस में पूछा था मैंने, तो यहाँ पे 150-170 के बीच लाइन देख सकते हो, 41% का कहना है आंसर की के बाद हमारे जो मार्क्स है 150 से लेकर 170 बीच, मतलब इसके अंदर 155, 160, 165 ऐसे अराउंड आते हैं, आप डायरेक्ट 170 मत पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो ये चीज है, जिन्होंने मेहनत नहीं की थी पर उन्होंने मेहनत की है वास्तव में, और कहने की पोस्ट ले सकते हैं। CPO टोटल मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं आफ्टर आंसर की 400 में से, तो 2.9 के वोट आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ देख लीजिए 260 से लेकर 300 के बीच आप देख लीजिए, 38% का कहना है कि हमारे जो मार्क्स है वो 260 से लेकर 300 के बीच, मतलब इसके अराउंड है 260, 265, 270, 275, 280 इसके अराउंड आ रहे हैं। और जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की है उन बच्चों के दिल्ली पुलिस से अच्छे चांस है, दिल्ली पुलिस CISF उनके पोस्ट मिल जाए। अब यहाँ पोस्ट वाइज कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो पहला कट ऑफ जो आपका CISF का आता है, देखो CISF में नंबर ऑफ कट ऑफ मैंने बताया 322 का कट ऑफ बताया, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ऊपर डिपेंड है पूरा, तो 322 के साथ कट ऑफ बताया, इसमें आपको प्लस माइनस 3 आपको अपने हिसाब से कर लेना है। ठीक है, तो OBC 312, EWS 316, SC 295, SC 292 हिसाब से कट ऑफ आपका रह सकता है।
एसएससी की बात बताओ 308 जनरल का रह सकता है, 295 आपको ओबीसी रहेगी, 295 है ध्यान रखना, ईडब्ल्यू 305 का रह सकता है, एससी 278, एसटी 252 का रहना देखने को मिल जाएगा। सीआरपीओ की बात करो, नंबर सीआरपीओ नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी खासी मेल कैटेगरी में, खासकर यूआर कैटेगरी में, तो 260 प्लस कट ऑफ आपका रह सकता है, इसमें भी आपको प्लस 5 माइनस 5 आपको कर लेना है। ओबीसी 240, ईडब्ल्यू 250, एससी 208, एसटी 195 के अराउंड कट ऑफ देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस के लिए कट ऑफ क्या रहेगा, दिल्ली पुलिस एसआई के लिए कट ऑफ जो है थोड़ी हाई देखने को मिल सकती है, खासकर मेल और फीमेल दोनों के लिए, फीमेल का थोड़ा अच्छा मौका रहता है, मेल्स की तुलना में कट ऑफ कम जाता है लास्ट वीक अगर हमने देखा होगा तो। ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए यूआर 325, ओबी 315, एस 302, एस 292, ईडब्ल्यू 318 रह सकता है, फीमेल कट ऑफ इस प्रकार के देखने को मिल सकता है। तो आई होप कट ऑफ अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, जिससे हर कोई नया अपडेट आपके सामने पेश की जा सके।